हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी एप्लीकेशन जो ना कि आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करेगी बल्कि आपकी गाड़ी की जो माइलेज है उसको भी इंक्रीज करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, इस एप्लीकेशन का नाम है फ्यूल एबीसी। ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए है। मेरे पास एंड्रॉयड है तो यहाँ पर मैं जो है प्ले स्टोर में जस्ट टाइप करता हूँ फ्यूल एबीसी। तो क्या यहाँ पर आप रिव्यूज़ देख सकते हैं इसके, 4.6 इसकी जो है रेटिंग है और 4000 इसके रिव्यूज़ है, मतलब ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है इस रिव्यूज़ के हिसाब से। तो जस्ट हम इसको जो अभी इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल पे ऐसे क्लिक करते हैं तो थोड़ा टाइम लेगा ये। तो गाइस, एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो चुकी है, जस्ट मैं इसको अभी ओपन करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो ऑप्शन है, अगर आप नए हो तो यहाँ पर आप जो है क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर सकते हो, अगर आपने पहले से अकाउंट बना के रखा है तो आप यहाँ पर जो है साइन इन कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले इसको जो है क्रिएट यूज़र पे अगर करता हूँ तो गाइस यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, अपना नाम, फ़ोन नंबर और व्हीकल नंबर आपको भरना है और यहाँ पर आप जो है रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो रजिस्टर हो जाएगा। तो गाइस, मैंने पहले से रजिस्टर करके रखा है तो यहाँ पर मैं साइन इन करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है अपना फ़ोन नंबर और अपना व्हीकल नंबर डाल के लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो गाइस, ये जो ऑडियो एडवाइजरी ये आपको अलग अलग लैंग्वेज में मिल जाएगी, जैसे कि मैंने अभी इंग्लिश सेलेक्ट करके रखी है, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज भी जो है सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मेरी दो गाड़ियाँ हैं, एक बाइक है एक गाड़ी है, और अपने हिसाब से आप इसको जो है ऐड कर सकते हो। तो गाइस, व्हीकल को ऐड करने के लिए जस्ट आपको जो है ऐड व्हीकल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है गाड़ी का, उसके बाद आपकी गाड़ी या बाइक जो भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको मेकर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से ही आपको सेलेक्ट करना है, इनके पास सभी कंपनीज का जो डेटाबेस है वो रहता है। तो गाइस, यहाँ पर आपको जो कंपनी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको पेट्रोल या डीजल जो उसका वेरिएंट है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसका मॉडल क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद गियर टाइप, जैसे मैनुअल है तो मैनुअल में सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सीसी यहाँ पर बता रहा है खुद ब खुद। और यहाँ पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन ईयर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं यहाँ पर इसका प्राइसिंग बता रहा है। तो गाइस, यहाँ पर आपको जो है 2 दिन का सबसे पहले जो है फ्री ट्रायल मिलता है, उसके बाद अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो गाइस 66 यहाँ पर आपको ये बता रहा है पर ईयर का। और अगर आपको जो है कुछ ज़्यादा टाइम के लिए लेनी है, जैसे आपको जो है 2 साल के लिए लेनी है तो आपको जो है 100 रुपये लगेगा, अगर आपको 5 साल के लिए लेनी है तो आपको जो है 200 रुपये लगेगा। तो इस टाइप से इनका प्राइसिंग रहता है, बहुत कम प्राइस है, मतलब 66 रुपीज़ में आपको जो है 1 साल के लिए इसकी सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जो कि काफ़ी चीप प्राइस में है। तो क्या इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है फ्यूल प्राइस बता रहा है पंजाब की, यहाँ पर मैंने पंजाब सेलेक्ट किया हुआ है तो पंजाब के बता रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ अदर स्टेट का प्राइस, तो यहाँ पर आप देखते हैं जो मेरा पंजाब की स्टेट में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उनका अलग अलग प्राइस जो है वो बता रहा है पेट्रोल और डीजल का। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जो है राजस्थान को सिलेक्ट करता हूँ तो राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनका जो अलग अलग फ्यूल प्राइस है वो बताएगा यहाँ पर। और गाइस, मॉर्निंग टाइम में आपको 6 AM जो है एक नोटिफिकेशन मिलेगा फ्यूल प्राइस का, जो भी आपने जो है एप्लीकेशन में अपनी सिटी डाल के रखी उस हिसाब से इसका जो है फ्यूल प्राइस का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आप खुद को जो है फ्यूल प्राइस के साथ अपडेट रख सकते हो इस एप्लीकेशन के साथ। तो ये यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये एक काफ़ी अच्छा फंक्शन है कि आपको जो है हर चीज़ का ये रिमाइंडर बताता है। अगर मैं रिमाइंडर पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं अलग अलग तरह के आपको रिमाइंडर मिलेंगे, जैसे कि अगर आपने इंश्योरेंस का यहाँ पर सेट करके रखा है, यहाँ पर इंश्योरेंस है, यहाँ पर मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जो है इंश्योरेंस की ड्यू डेट को यहाँ पर डालता हूँ, तो उसके बाद ये क्या करेगा, जब इंश्योरेंस की ड्यू डेट आने वाली होगी तो यहाँ पर आपको जो है रिमाइंडर मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि मैं हर बार भूल जाता हूँ कि मेरी गाड़ी की PUC वगैरह पोल्यूशन का कब मैंने जो सर्टिफिकेट लिया था, तो वो अगर आप इसमें ऐड करके रखोगे तो आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपको जो है रिमाइंड करवा देगा। और यहाँ पर आप देखते हैं अलग अलग रिमाइंडर आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर आपको जो है रिमाइंडर मिल जाते हैं, इंश्योरेंस का मिल जाता है, PUC, RC, लाइसेंस, EMI, और अगर इनमें से आप जो है अलग कोई रिमाइंडर सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर अदर रिमाइंडर पे आप क्लिक करके यहाँ पर इसको ऐड करके यहाँ पर रिमाइंडर का नाम डाल के और आपका जो व्हीकल का नाम डाल के उसके बाद इसकी रिमाइंडर की ड्यू डेट और अमाउंट वगैरह डाल के आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। और इसी तरह से आप जो है कस्टम रिमाइंडर को भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो गाइस, अभी नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो यहाँ पर ट्रिप कॉस्ट है, तो यहाँ पर अगर मैं इसके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों व्हीकल अभी आ गए हैं। यहाँ पर आपको डिस्टेंस ट्रैवल डालना है कि कितना आपको ट्रैवल करना है, यहाँ पर किलोमीटर डालना है, उसके बाद यहाँ पर फ्यूल का प्राइस आपको डालना है। उसके बाद जैसे ही आप कैलकुलेट करते हो तो आपको ये बताता है कि यहाँ पर आपकी गाड़ी है, यहाँ पर आपकी बाइक है, कितना कॉस्ट पड़ेगा, और यहाँ पर स्पीड के हिसाब से कॉस्ट बताएगा कि कितनी स्पीड रखोगे और कितनी माइलेज आपको मिलेगी, उस हिसाब से ये कॉस्टिंग आपको बताएगा। तो जैसे कि आप देखते हैं जैसे जैसे स्पीड अभी कम है तो वैसे वैसे इसका फ्यूल का प्राइस अभी थोड़ा ज़्यादा बता रहा है। जैसे स्पीड आपकी जो है नॉर्मल आती है, मतलब जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से इसका जो फ्यूल प्राइस है वो कम बता रहा है। और जैसे अगर आप अपनी हाई स्पीड पर व्हीकल को चलाते हो तो यहाँ पर इसकी जो आपकी ट्रिप कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस टाइप से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से।
इसके बाद गाइस यहाँ पर ट्रिप समरी है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जितनी भी आपने ट्रिप्स वगैरह करी होंगी वहाँ उसकी जो समरी है वो आपको बताएगा कि कितना टाइम लिया आपने ट्रिप को और कितना किलोमीटर आपने कवर किया और किस स्पीड में आपने जो है एवरेज स्पीड आपकी क्या थी और मैक्सिमम स्पीड आपकी क्या थी वो यहाँ पर आपको जो है बताएगा। इसके बाद गैस जैसे कि आपको पता है कि सभी डॉक्यूमेंट जेब में लेना पॉसिबल नहीं होता, तो यहाँ पर आपको जो है डिजी लॉकर को डायरेक्ट एक्सेस करने का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप जो है टैप करके यहाँ पर डिजी लॉकर में आ जाएंगे और यहाँ पर अपना जो है आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और RC वगैरह सभी यहाँ पर आप जो है रख सकते हो। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिसिंग है तो यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन चलान है वहाँ पर ही हो जाएगा। इसी तरह से गैस आपको जहाँ पर जो है डायरेक्ट मैप को भी एक्सेस करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर मैप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो व्हीकल है उसको सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट अपनी जो जर्नी है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके बाद आप लॉग बुक में जो है फ्यूल बिल और सर्विस मेंटेनेंस का जो लॉग है वो यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। इसके अलावा गैस यहाँ से आप जो है व्हीकल की कॉस्ट को एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है फ्यूल और मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है यहाँ पर आप उसको जो है एनालाइज कर सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पर अगर आप मोर पे क्लिक करते हो तो आपको इमरजेंसी नंबर जैसे कि पुलिस, फायर ब्रिगेड और जो इमरजेंसी नंबर होते हैं उसको आप जो है डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको जो है सभी यही वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके अलावा वॉइस कमांड को आप यहाँ से जो है इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। ऐप लैंग्वेज को यहाँ से आप जो है कंट्रोल कर सकते हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी, किस लैंग्वेज में आपको ये एप्लीकेशन चाहिए वो आप यहाँ से कर पाओगे। उसके अलावा आप जहां से जो है अपने व्हीकल की अगर आप वैलिडिटी को एक्सटेंड करना चाहते हो तो यहां से जो है योर ऑर्डर पे यहां पर जाके यहां से आप जो है अपने व्हीकल की जो वैलिडिटी एक्सटेंड कर सकते हो, उसको रीन्यू कर सकते हो। तो चलिए गाइस सीधे अभी अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। यहां से मैं अपनी जो गाड़ी को यहां पर सिलेक्ट करता हूं। प्लीज वेट, वी आर रिक्वेस्टिंग द GPS लोकेशन फॉर दिस डिवाइस। तो क्या यहाँ पर इसकी जो स्पीड है ये वो बताएगा, यहाँ पर माइलेज बताएगा स्पीड के अकॉर्डिंगली, यहाँ पर कॉस्ट पर किलोमीटर भी ये आपको बताएगा कि कितनी कॉस्ट आपको पर किलोमीटर की पड़ रही है किस स्पीड पे, और यहाँ पर पेट्रोल का यहाँ पर प्राइस बता रहा है और यहाँ पर इसके नीचे आपको जो है सजेस्टेड गियर भी ये बताएगा। तो ये चलते हुए बाइक में या गाड़ी में आपको जो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंटल पैनल भी आपका हो सकता है, एडवांस GPS आपका स्पीडोमीटर भी आप इसको बोल सकते हो। और यहाँ पर आप देखते हैं ये इसका जो यहाँ पर पैनल बना हुआ है, यहाँ पर जो आउटर वाला शेल है वो इसकी स्पीड है, जो बीच वाला इसका जो येलो कलर वाला शेल है वो इसकी माइलेज बताता है, और इसका जो सबसे अंदर वाला शेल है वो इसमें जो है गियर इंडिकेट होगा कि कौन सी स्पीड में आपको जो है कौन सा गियर रखना है। तो इसको आप जो है चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको जो टेबल की फॉर्म में कर सकते हो या डिजिटल फॉर्म में भी आप कर सकते हो यहाँ से। तो डायरेक्ट अभी जो है अपनी गाड़ी को थोड़ा ड्राइव करके देखते हैं। तो फिर यहाँ पर आप देखते हैं मैंने अभी इसको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बिल्कुल सामने रख दिया है इसको, और अभी जो है डायरेक्ट मेरी नज़र इस पर पड़ेगी, तो मतलब जैसे मैं अपना जो स्पीडोमीटर को देखता हूँ सेम टू सेम वैसा ही स्पीडोमीटर है ये। और ये अच्छी बात है कि अगर आपका बाइक का जो फिर गाड़ी का जो स्पीडोमीटर अगर वो ख़राब भी है तो आप इसका यूज़ करके जो है अपना जो स्पीड है उसको प्रॉपर जो है चेक कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है बिल्कुल अपने जो गाड़ी का जो जो स्पीडोमीटर है उसके हिसाब से इसकी जो प्रॉपर इसकी जो एक्यूरेसी आएगी। तो क्या यहाँ पर आप देखते हैं एक साइड में जो इसकी स्पीड आ रही है उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो माइलेज आ रही है और उसके अकॉर्डिंगली जो कॉस्ट पर किलोमीटर है वो भी ये बता रहा है। तो जैसे जैसे मैं अगर इसकी स्पीड को हाई करूँगा उस हिसाब से ये आपका जो कॉस्ट पर किलोमीटर है वो ज़्यादा बताएगा, और अगर मैं बिल्कुल लो स्पीड पर चलूँगा तब भी ये कॉस्ट ज़्यादा बताएगा, और जैसे बीच में अगर मैं चलूँगा मतलब नॉर्मल स्पीड पर अगर मैं चलूँगा तो उस हिसाब से इसकी जो माइलेज और इसकी जो कॉस्ट पर किलोमीटर है वो बिल्कुल सही बताएगा। इस प्रकार से गाइस ये आपके ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करेगा और साथ ही में आपके जो व्हीकल की जो माइलेज है उसको भी ये बढ़ाएगा। इसी तरह से गाइस अगर आप अपनी गाड़ी को एकदम भगाते हो मतलब 100 की स्पीड पे अगर आप चलाते हो तो आपको ये एक जो है स्पीड वार्निंग भी देगा फ्यूल सेविंग के लिए, और अगर आपकी गाड़ी कहीं 20 सेकंड के लिए खड़ी होती है तो आपको कुछ जो है इस टाइप की फ्यूल सेविंग की वार्निंग देगा। प्लीज टर्न ऑफ योर इंजन इफ स्टे टाइम इज मोर देन 20 सेकंड्स, सेव फ्यूल। और गाइस यहाँ पर आपको जो है हेड अप डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, जैसे यहाँ पर आप जो है क्लिक करते हो तो इसका जो स्पीडोमीटर है वो उल्टा हो जाता है, और जैसे आप अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे इसको ऐसे रखते हो फ़ोन को तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो गाड़ी के विंडशील्ड के ऊपर पड़ता है, और उसका कुछ इस टाइप से आपको जो है स्पीडोमीटर बन के दिखाई देता है रात के टाइम पे, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है, और आपको जो है मतलब विजिबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं होती, और आपका जो स्पीडोमीटर है वो भी बिल्कुल आपको जो है वो विजिबल होता है। तो इस टाइप से ये काफ़ी अच्छा दिखता है रात के टाइम पे, और ये मेरा फेवरेट फीचर है। और गाइस इस एप्लीकेशन की जो ऑडियो एडवाइजरी है वो आपको अलग अलग लैंग्वेज में मिल जाएगी, जैसे कि मैंने इंग्लिश सेलेक्ट करके रखी है तो आप जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज भी इसमें जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस अगर आपकी भी डेली रूटीन रहती है ड्राइविंग करने की तो आप इस एप्लीकेशन को जो है यूज़ में ले सकते हो, और 66 रुपीज़ के हिसाब से आप इसकी जो है एक साल की सब्सक्रिप्शन जो कि काफ़ी कम होती है वो ले सकते हो।
तो गाइस लिंक इस एप्लीकेशन का मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।